स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। 31 मई को विभव कुमार की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में विभव को भेज दिया गया है। इसका मायना यह है कि पुलिस कस्टडी खत्म हो गई है, अब जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ में विभव रहेंगे और हम लोगों को अब इंटाइटलमेंट है। हम विभव की अभी एप्लीकेशन मूव करेंगे बेल के लिए और बहुत जल्दी इस केस में विभव बेल से बाहर आएंगे। सर, ये जो मामला है पुलिस की तफ्तीश ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, जो हिरासत होती है, तो अब इसमें जांच पूरी होने में पुलिस कितना समय लगा सकती है? क्या मैंडेट है कि कितने दिनों में चार्जशीट आनी चाहिए? नहीं, चार्जशीट का तो स्पेसिफिक टाइम होता है 60 डेज का, उसके अंदर उनके पास राइट है, वो दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है जिस तरीके के आरोप हैं, जिस तरीके की उनको जो भी एविडेंस चाहिए थे, जो भी रिकवरी करनी थी, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी वाला मैटर नहीं था, मारपीट का मैटर था, कोई इसमें वेपन इन्वॉल्व नहीं था। एडमिटेड फैक्ट ये था कि किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं होनी थी। तो अब हम लोगों को उम्मीद ये है, सीसीटीवी ऑलरेडी डीवीआर वगैरह सब पुलिस कस्टडी में है, हम लोगों को उम्मीद है कि जुडिशियल कस्टडी के दौरान 1-2-4 दिन के अंदर अंदर विभव जी की बेल हो जाएगी। सर, जो उनका कहना था कि अभी जांच चल रही है और ये सबूत छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा आरोप उन्होंने सही सुनवाई के दौरान भी लगाया था, तो क्या ये कोर्ट पुलिस ने कहा कि इनको हिरासत में भेजा जाए? देखिए, प्रोसिक्यूशन हमेशा ये बात कहती है कि कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज की जाए, और स्वाभाविक तौर पे हम लोगों के एप्लीकेंट होने के नाते, एक्यूज होने के नाते, अगर कोर्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन देती है, कोई भी कंडीशन लगाती है, हम उसको फुलफिल करेंगे। सर, अब आप क्या प्राइवेट व्हीकल की भी आप लोगों ने मांग की है कि सिक्योरिटी रीजन? हम लोगों ने दो रिक्वेस्ट की है कोर्ट को। एक तो ये है कि क्योंकि बहुत लेट आवर्स में विभव को पेश किया गया है, तो ऑलरेडी जो जनरल व्हीकल होते हैं वो जेल के जा चुके होते हैं, तो पर्सनल एक प्राइवेट व्हीकल के अंदर जेल में विभव को भेजने की व्यवस्था की जाए। और दूसरी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर दोबारा कोर्ट में पेश करने की कोई नौबत आए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी होनी चाहिए। सर, तब तक बेल मूव करने की संभावना है, आप लोग कर देंगे? बहुत जल्दी करेंगे, आपको बता देंगे। वही गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए विभव कुमार ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और मुआवजे की भी मांग की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, विभव कुमार द्वारा स्वाति मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास पर हमला करने का आरोप लगा था, जिसके बाद विभव को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।